देखिए विचारधारा भी तो रखिए, स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? आप ही के पास है वो, सबके पास है ना, दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। ये शिक्षा है जी, दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है? और लकीर, सॉरी, मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवाद ही चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना, लोग गाएंगे तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने, बस अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों, मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूँ अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से, और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूँ, चाहे वो गरीबी हो या, मुझे स्टार्डम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है, घंटा है, कुछ भी शेर है, कौन चीज, मैंने क्या है बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में, क्या है, क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे गोबर सिंह हो गए, कुछ भी, भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे, खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप, यह अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं? क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए, चुपते तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुहे से, कुछ भी। आप लकीर खींचने कौन होते हैं? लकीर खींचने वाले भोजपुरी आपके लकीर से चलता है? एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है, भोजपुरी के भगवान है आप, कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को?